वक्त की बड़ी खबर, भारतीय महिला टीम को मिला 119 रन का लक्ष्य। बता दे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच खेला जा रहा है, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज महिला टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें सबसे ज्यादा रन स्टीफन टेलर ने 40 गेंद में 42 रन जड़ी, जिसमें 6 चौके शामिल है। इसके अलावा सेमिन कैंपवेल 36 गेंद पर 30 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल है, जबकि भारतीय टीम के तरफ से गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल की, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा बस्कर ने एक एक विकेट हासिल की और भारतीय टीम को 119 रन का लक्ष्य मिला है।